और वो कहता है कुछ बातें किसी के साथ घटी है सो वॉट हैपन टू हुम और कौन सी बात किसके साथ में घटी है When we read the previous verses, we understand what happened to whom. और अगर हम इसके पहले के वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है किसके साथ में क्या हुआ इस इज uh, These are written down as warnings for us. और यहाँ पर लिखा गया है कि ये हमारी चेतावनी के लिए दी गई है So what happened in the past is written down

और इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें एक सबक सिखाना चाहता है जो हमने भूतकाल में जो हुआ उसके उसको लेकर और और के 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 इतिहास द्वारा वो हमें कुछ सबक सिखाना चाहता है। साथ में जो हुआ वो हमारे लिए उदाहरण या तो दुष्टांत तो है this, it is written down as a warning. और ये लिखा गया है चेतावनी के लिए so that we will not

हमें परमेश्वर के वचन का पुराना करार और नया करार दोनों पढ़ना ये समझने के लिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है Paul says, All scripture is God -breathed. और परमेश्वर का पौलुस इस प्रकार से कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है एंड इट इज यूजफुल फॉर रीडिंग और ये उपदेश के लिए है फॉर टीचिंग सॉरी और ये सिखाने के लिए है एंड रेब्यूकिंग और समझाने के लिए है ट्रेनिंग इन राइसनेस और उपदेश के लिए और धार्मिकता की शिक्षा को लाभदायक होने के लिए है The old, the whole scripture. और पूरा पवित्र शास्त्र, शास्त्रा कला और नया करार दोनों is ये लिखा with a, गया है, with a purpose और एक उद्देश्य के साथ to, में लिखा to गया है, teach us हमें सिखाने के लिए ट्रेनिंग इन us, और, और, हम, और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए so uh, इसलिए हमें जानना जरूरी है की इजराइल के साथ में क्या हुआ we have to learn from it? है उसके साथ में हमें इसराइल

आई डोट वॉन्ट इनोरेंट ऑफ दिस और वो कहता है कि मैं इस बात से अंजान नहीं रहना चाहता हूँ our forefathers? और हमारे बाप दादाओं के साथ में क्या हुआ इसराइल वॉज गॉड chosen पीपल और इसराइल जो है परमेश्वर की चुनी हुई जाती थी गॉड डिलीवर्ड them from the slavery in Egypt. और परमेश्वर ने मिश्र देश से उनको दासत्व से छुड़ाया। And he led them through the wilderness forty years. और मलबूमी में उनको 40 साल तक परमेश्वर ने उनकी अगवाई की। And his presence was with them. और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में थी। A pillar of fire at night. और जैसे बादल का बादल का अग्नि का खंबा जैसे रात के समय में। And a pillar of उड्स ड्यूरिंग दिन के समय में बादल का खंभा और वहां कहता है की उनके सारे बाप दादा जो बादल के नीचे थे पास थ्रू द सी और वो समुद्र के बीच से पार हो गए they were guided by god और बादल के नीचे थे इसका तात्पर्य यह है कि उनका जो नेतृत्व है परमेश्वर के द्वारा किया जा रहा था god's presence was with them और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में थी and he himself guided his people और परमेश्वर स्वयं उनकी सबकी अगुवाई की and it's

और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सबके सब मूसा के सहभागी बने ऑल इन इन द द क्लाउड एंड सी। और सब ने बादल और समुद्र ने मूसा का बपतिस्मा लिया so सो होकर आ गए उन्होंने लाल समुद्र को पार किया देम इट वाज अ बैप्टिज्म और उनके लिए बपतिस्मा था यूनाइटेड विद मोस और मूसा के साथ में वो संयुक्त तो हो गए एंड बिकेम फॉलोअर्स ऑफ और वो मूसा के अनुयायी बन गए द पॉल इज कंपेयरिंग और पहलूस यहाँ पर तुलना करता and है दिस एक्सपीरियंस ऑफ द ज्यूस और यहूदियों का ये जो अनुभव है विद द विद्रिस्टियन बैप्टिज्म और मसीह का जो बपतिस्मा उसके साथ में इसकी तुलना करता है इन क्रिस्टियन बैप्टिज्म और मसीह के बपतिस्मा में हम मसीह के साथ में एक हो जाते हैं वी आइडेंटिफाई विद द डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट और हम हमारी पहचान हो जाती है यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के साथ and, में एंड वी बिकम द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट और हम यीशु मसीह के अनुयायी बन जाते हैं एंड वर्सेस थ्री एंड फोर और, और चार वचन कहता है। सेम स्पिरिचुअल ड्रिंक फॉर देख फ्रॉम द स्पिरिचुअल रॉक रॉक वाज क्राइस्ट और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया

विथ वॉटर और पर, परमेश्वर ने उनके जल के साथ में उनका प्रावधान किया वॉट फ्रॉम द रॉक और चट्टान में इस उन्हें जल दिया

और वहां पर कहा गया उन्होंने वही आत्मिक चट्टान से वो जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और पौलुस कहता है कि वो चट्टान मसीह था सो थ्रू आउट दिल्डरनेस जर्नी और उनके uh, मलभूमि के उसके यात्रा के दौरान गॉड वाज़ विद देम परमेश्वर उनके साथ में था पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन प्रोविशन और वो इस प्रकार के वो दिव्य प्रावधान के वो सहभागी थे And what a were there. और कितने सौभाग्यशाली लोग वे थे जी देख

Pallan God to... was not pleased with most, or most of them. परमेश्वर उनमें से बहुतों के साथ पसंद न हुआ They were God's chosen people. और परमेश्वर के चुने हुए लोग थे They enjoyed God's provision. और उन्होंने आनंद उठाया परमेश्वर के प्रावधानों They का। were a very privileged people. और वो बहुत ही सौभाग्यशाली लोग थे। और पर कहा अधिकांश या तो बहुतों के साथ में परमेश्वर प्रसन्न न हुआ When God brought them out of Egypt, और जब परमेश्वर ने मिश्र देश से उनको बाहर निकाल लैंड और उनको प्रतिज्ञा किए प्रदेश में उनको ले जाना चाहता था Abraham, और उस 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 प्रदेश की उस की की भूमि जो उसने की थी के साथ में, flowing, के साथ में honey, और इस प्रकार की भूमि थी जहाँ पर मधु और दूध की धाराएं बहती है बट गॉड वॉज नॉट प्लीज विद परंतु बहुतों के साथ में परमेश्वर वहाँ पर पसंद न हुआ इन दिल्डर और निर्जन प्रदेश में वो ढेर हो गए

और परमेश्वर ने मिश्र देश से जो तो में थे वहां से निकाल ले आया। had a उ, उसके साथ में परमेश्वर का उद्देश्य था परमेश्वर ये चाहता था कि उनको प्रदेश में ले जाए पीपल ऑफ हिज इनहेरिटेंस और वो उसके विरासत के लोग थे बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रेजेस परंतु इन सभी सौभाग्य सौभाग्यशाली होने के बावजूद और सभी प्रावधानों के बाद भी भीजिप्ट और परमेश्वर के पास एक उद्देश्य था विश्व देश से उनको बाहर निकाल ले आने के लिए They all in the और निजन प्रदेश में वो ढेर हो गए उनका नाश हो गया Why? क्यों दिस इज द लेसन वी आर आज टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इजराइल और यही सबक हमें इज़राइल के इतिहास के द्वारा कहा गया है सीखने के लिए

as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink, and got up to indulge in revelry. We should not commit sexual immorality, as some of them did, and in one day twenty three thousand of them died. We should not test the Lord, as some of them did, and were killed by snakes, and do not grumble, as some of them did, and were killed by the destroying angel. ना तो मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे खेलने उठने लगे खेलने कूदने उठे और ना हम व्यभिचार करें जैसा उन्होंने उनमें से कितनों ने ना कितनों ने किया और एक दिन में तेईस हजार मर गए और ना हम प्रभु को पड़के जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए और ना तुम कुरकुड़ाओ जिस रीति से उन उनमें से कितने कुरकुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए Paul mentions some of the sins the the people committed और पौलुस यहाँ पर कुछ पाप जो इजाइल जाति ने भी उसके बारे में वहां पर कहता है एंड व्हाट आर दे और वो क्या है

पापों के बारे में कहा है बट टूडे विल लुक एट ओनली वन sin. परंतु हम आज सिर्फ एक पाप की और देखेंगे और पहला पाप है और वो है मूर्ति पूजा एनकरेजिंग अस टू फ्ली फ्रॉम आइडोलेट्री और पौलुस यहाँ पर हमें चेतावनी देता और कहता है कि मूर्ति पूजा से बच निकलो बिकॉज आइडोलेट्री इज अ ग्रेट सीन और क्योंकि मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप है know that Abraham was an idol और हम जानते हैं कि अब्राहम मूर्ति पूजक था ही वॉज एन आइडल आइडल मेकर और वो मूर्ति बनाने वाला कारागिर था गॉड कॉल आउट ऑफ मेसोपेटोम और परमेश्वर ने उसको से बाहर बुलाया एंड प्रोमिस और उसने उसे प्रतिज्ञा की प्रदेश में ले गया

one day why i'm telling is this because आज मैं आपको ये सब क्यों कह रहा हूं क्योंकि one day in a, in a sunday school uh, the teacher was teaching और एक बार रविवार की पाठशाला में जैसे शिक्षक अपने बच्चों को सिखा रहा he था he said how god delivered the children of israel from egypt और उसने कहा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पर इजराइल के लोगों को मिश्र देश से बाहर निकाला how god delivered the children of israel

और तो उसमें से एक बच्चा ओनली द चिल्ड्रन वेर आर दर पेरेंट्स और तो उस बच्चे ने ऐसा पूछा कि सभी बच्चे तो उनके माता पिता कहां हैं सो द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल मींस दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ जेकब और की संतान का इसका यह है कि Israel के जो वंश है उसके बारे में और की जो संतान है वहां मिश्र देश में दासवतों में थे और परमेश्वर ने अपने महासामर्थ्य भावभुज भाव, भाव भाव के द्वारा उनकी रिहाई की रेड सी उन्होंने उसने लाल समुद्र को दुभागा डिस्ट्रॉइड ऑल दी एनिमीज और उन्होंने सभी सत्यो का नाश किया एंड दी वॉज लीडिंग दम टू दैंड प्रोमिस एब्राहम और जो प्रतिक्रिया उसने अब्राहम के साथ में की थी उस भूमि की और उनकी अगुवाई कर रहा था and when they माउंट सैना और जब वो सीने के पास पहुंचे गॉड कॉल्ड मोसेस अप टू द माउंटेन और परमेश्वर ने वहां पर मूसा को वहां पर पर्वत पर बुलाया टू गिव हिम द लॉ और उसे व्यवस्था देने के and लिए मोसेस वेंट अप टू द माउंटेन और मूसा जो पर्वत पर ऊपर चला गया ही ही वाज वाज विद विद गॉड गॉड फॉर 40 डेज एंड 40 नाइट्स और मूसा वहां पर उस पर्वत पर परमेश्वर के साथ में 40 दिन और 40 रात तक था व्हेन ही डिड नॉट कम बैक फॉर ए लॉन्ग टाइम और जब बहुत लंबे अरसे तक वो वापस नीचे नहीं आया एंड द पीपल वेर बिकेम इनपेश जब लोग जो बहुत ही अशांत हो गए बेताब हो गए टोल एरन और उन्होंने से कहा गॉन हमें पता नहीं कि ये ये बंदा कहाँ पर गया नॉट नो हिम एंड हमें पता नहीं कि इसके साथ में क्या हुआ है मेक ए गॉड फॉर अस हमारे लिए एक देवता बना टू लीड अस हमारी अगुवाई करने के लिए

और हारून क्या कहता है उसने एक ही बछड़ा बनाया परंतु उसने उसने क्या कहा दीज आर यूर गॉड्स ये ये तेरे ईश्वर है तेरे देवता है वाई ही से दीज आर यूर गॉड्स और वो क्यों कहता है कि ये तेरे देवता या तो तेरे ईश्वर है ड्यूटोनोमी चैप्टर सिक्स वर्स फोर गॉड से और व्यवस्था छह चार इस प्रकार से परमेश्वर कहता है Here, o Israel. ए इसराइल सुन द लॉर्ड अवर गॉड इज वन यहुआ हमारा परमेश्वर यहुआ एक ही है जहोवा इज वन यहुआ एक ही है द लॉर्ड जहोवा इज वन और यहुआ एक ही है आरन मेड गोल्डन कॉफ और हारून ने इस प्रकार से सोने का बछड़ा बनाया एंड ही से इज दिस आर योर गॉड्स और वो कहता है कि ये तुम्हारे देवता या तुम्हारे ईश्वर है ही मेड वन कॉफ और उसने एक ही बछड़ा बनाया says, और कहता है कि ये तुम्हारे देवता है Why he says, These are your gods. और वो क्यों कहता है कि ये तुम्हारे देवता है one उसने सिर्फ एक ही बछड़ा बनाया बनायाजिप्ट और फिर वो कहता है कि ये तुम्हारे देवता है जो आपको मिश्र देश से छुड़ाकर ले आया है आई डोंट नो व्हाई ही सेड दीस आर योर गॉड्स अब मुझे पता नहीं उसने क्यों कहा कि ये तुम्हारे देवता है बट आई थिंक परंतु मुझे लगता when, है व्हेन व्हेन जीसस क्रॉस द लेक और जब यीशु मसीह ने झील पार की वन मैन केम टू टू सेव हिम और उसे ग्रहण करने के लिए एक व्यक्ति आया द वन मैन केम सिर्फ एक व्यक्ति आया। जीसस और वो आया उसने यीशु मसीह का आवभगत किया and Jesus asked him, और यीशु ने उससे पूछा, What's your name? तेरा नाम क्या है he said, उसने कहा, Legion, सेना। because we are many. और क्योंकि हम बहुत है and one person और से एक व्यक्ति और वो कहता है कि हम बहुत है इट मीन इसका अर्थ ये है that there's one cough, तो वहाँ पर एक बछड़ा है बट बिहाइंड दिस कॉफ परंतु इस बछड़े के पीछे द मेनी स्पिरिट्स उसके पीछे बहुत सारी आत्माएं है मेनी इवेंट स्पिरिट्स और बहुत ही बहुत ही दुष्ट दुष्ट आत्माएं है नो इंग्लिश और अनो इंग्लिश

them out of Egypt. और मिस्र देश से उनको छुड़ाकर कौन ले आया? What did God say? और परमेश्वर ने क्या कहा? Exodus chapter twenty verse two and three. और निर्गमन की किताब में भी सत्य दो और तीन वचन. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall not have any other gods before me. मैं तेरा परमेश्वर यहुवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर, अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है. His... तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना

बड़ी गलती है और हमेशा बहुत से लोग ये बड़ी गलती करते हैं पीपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड और लोग जो है ये परमेश्वर के नाम में पर्व या तो उत्सव मनाते हैं थिंकिंग डेट गॉड इज प्लीज विदेस्टिवल्स और इस बात को समझते हुए की परमेश्वर इन पर्वों के द्वारा प्रसन्न होता है बट गॉड इज नॉट दे तो परमेश्वर वहां पर नहीं है गोल्डन कॉफ का बछड़ा बनाया he गया made an altar. और वहाँ पर एक वेदी बनाई गई and he says, और वो कहता है। फेस्टिवल we'll Jehovah. और कल हम प्रभु के लिए एक पर्व मनाएंगे Jehovah इज नॉट there. और वहां पर यहोवा तो है ही नहीं ग्लोरी टू द

और उसने एक वेदी बनाई एंड ही डिक्लेर्ड देयर विल बी फेस्टिवल टुमारो टू द लॉर्ड और उसने इस प्रकार से घोषणा की कल वहां यहोवा के लिए एक पर्व बनाया जाएगा एंड हैव यू नोटिस व्हाट 326 सेज और आप क्या पर देख सकते हैं कि वहां पर 326 वचन क्या कहता है द नेक्स्ट डे पीपल रोज अर्ली और दूसरे दिन भोर के भोर में लोग उठ गए रोज अर्ली टू सेलिब्रेट और वहाँ पे भोर के समय में वो उठे इसके लिए पर्व मनाने के लिए वॉशिप द आइडल और उस, उस मूरत की उपासना करने के लिए गोल्डन कॉप और वहाँ सोने का जो बचरा बनाया गया है उसकी उपासना करना चाहते थे लोग जो है यहुआ की उपासना करने के लिए सुबह उठ नहीं पाते हैं बट गेट अप अर्ली टू सेलिब्रेट सच फेस्टिवल्स परंतु इस प्रकार के पर्व को बनाने के लिए वो सुहोल में उठ जाते हैं वेदर इट इज क्रिसमस और ईस्टर और चाहे वो क्रिसमस हो या जो तो ईस्टर हो पीपल गेट अप अर्ली टू वर्शिप और लोग जो है भोर में उठ जाते हैं उसको मनाने के लिए। I don't know whether they worship God, और मुझे पता नहीं कि वो आराधना करते हैं परमेश्वर की और तो फिर किसी और की मॉर्निंग और यहाँ पर कहा गया कि दूसरे दिन लोग भोर के समय उठे सेलिब्रेट द फेस्टिवल और उस पर्व को मनाने के लिए एंड वॉट इट पीपल डू और लोगो ने क्या किया टू से आइडल और उस मूर्त के सामने उन्होंने होम बली डाउन टू ईट And make merry. और वो वहाँ बैठ कर खाए पिए और मस्ती खेलने लग गए मूर्ति पूजा में लग गए इसका अर्थ ये है कि अनैतिक गतिविधियों no, में, गति में लिप्त हो गए you know, और आपको पता है कि कारण क्या होता है जो अनैतिक गतिविधियां होता है उसके पीछे कारण क्या होता है The Bible says it's because of idolatry. और पवित्र शास्त्र ये कहता है, ये इसलिए होता है क्योंकि ये मूर्ति पूजा के कारण। And God gives up. और परमेश्वर इसे छोड़ देता He है। He says, do whatever you want. परमेश्वर कहता है, आपको जो चाहिए, आप चाहते हो वो आप करो। Romans chapter one. और रोमे की पति पहला अध्याय। Verses twenty three and twenty four. और तेरी सौ चौबीस वचन कहता है। They exchange the glory of the immortal God.

अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे, आप, वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। like और उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य पक्षियों चौपाइयों और रेंगते रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल इंसल्टिंग गॉड और जब आप इस प्रकार की मूर्त बनाते हो तो क्या आप परमेश्वर का अपमान नहीं करते हो God is immortal. When you make an image in the form of any mortal man, reptiles or uh, animals, और जब आप किसी भी प्रकार की मूर्त बनाते हो नाशवान मनुष्यों, पक्षियों की या चौपाइयों की When you give glory to that image. और जब और जब आप उस प्रकार की मूर्त बनाने के बाद उस मूर्त को आप जब महिमा देते हो यू आर

द लॉ फ्रॉम गॉड और परमेश्वर की असव व्यवस्था को वो ग्रहण कर रहा था इसके पहले परमेश्वर की व्यवस्था उनके हाथों में प्राप्त करने के पहले उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया आज्ञा क्या कहती है निगम की तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना और न किसी किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में God, या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे जल में है गॉड डॉट मैन टू मेक एन इमेज ऑफ एनीथिंग थिंग और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार की मूर्त बनाए God hates idolatry. और परमेश्वर मूर्ति मूर्ति पूजा से ईर्षा करता है गुना करता है Idolatry is not one of many sins. और मूर्ति पूजा उसमें से बहु, बहुतों उस में से एक पाप नहीं है But it's a great sin. परंतु तो उस सबसे बड़ा पाप है Now the people of Egypt were familiar with many gods. और मिस्र के लो, जो लोग थे वो बहुत से देवताओं से परिचित थे

इसका ये नहीं होता कि परमेश्वर अपने स्थान के बारे में असुरक्षितता महसूस करता है और क्योंकि वो स्वयं करने वाला परमेश्वर सिर्फ वही है who saved us. और वही वो परमेश्वर जिसने हमें बचाया है no और, और कोई भी हमें बचा नहीं सकता और सिर्फ परमेश्वर हमें बचा सकता है और सिर्फ उसने हमारी उत्पत्ति नहीं की उसने हमें बचाया भी And है इसे यू शाल नॉट हैव एनी अदर गॉड्स बिसाइड्स मी और इस प्रकार से कहता है मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर को आपको नहीं मानना है आइडोलेट्री इज अ ग्रेट सिन और मूर्ति पूजा बहुत बड़ा पाप है बिकॉज़ यू आर स्टीलिंग गॉड्स ग्लोरी और इसलिए मूर्ति पूजा बहुत बड़ा बात है क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा को चुराते हो इसलिए एंड गॉड इज अ जेलस गॉड और परमेश्वर जो जल उठने वाला परमेश्वर है He is jealous of his glory. वो अपनी महिमा के प्रति जलनशील है. And he will not let anyone take his glory that is due to him.

ईश्वर हूँ जो, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और पर पोतों को पी पितरों को दंड दिया करता हूँ दिस इज समिंग वेरी सीरियस और ये बहुत ही बहुत ही गंभीर बात है गॉड इज गिविंग ए वार्निंग परमेश्वर यहाँ पर हमें चेतावनी देता है This is if you, if you worship an idol, अगर वो कहता है कि अगर आप किसी मूर्त की उपासना करते हैं sin पेरेंट्स और उसके माता पिताओं के जो पाप है उसके लिए वो उनको दंड देगा टू द थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन तीसरी और चौथी पीढ़ियों तक देगा इफ ट्राइज टू स्टील हिज ग्लोरी अगर कोई भी उसकी महिमा को कोशिश करता है प्रयास करता है उसकी महिमा को चुराने का ही विल नॉट स्पेयर दैट पर्सन और वो उस व्यक्ति को किसी प्रकार से न छोड़ेगा ही विल पनिश हिम और उसे वो दंड देगा टू द थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन तीसरे से चौथी पीढ़ी तक और इस प्रकार से वो अपने बच्चों, बच्चों बच्चों उसके बच्चो को, बच्चो को सबको दंड देते दे, दंड पाते वो देखेगा गॉड इज ऑफ इज ग्लोरी और परमेश्वर अपनी महिमा के प्रति जलनशील है Idolatry. और वो इस प्रकार से गुना करता है तो आप उसे नकार सकते हो इनकार कर सकते हो परमेश्वर की दया को मांग सकते हो He will pardon you. Exodus chapter 32, verses 7 and 8. Then the Lord said to Moses, Go down, because your people, whom you brought up out of Egypt, have become corrupt. They have been quick to turn away from what I commanded them, and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it, and have said,

जो तुम्हें मिश्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है वॉट इज गॉड टेल मोसस परमेश्वर ने मूसा से क्या क्या कहा He said, "I am the God who brought you out of Egypt." और मैं ही प्रभु यहुवा हो, जो आपको मिश्र देश से बाहर निकाल ले आया है. Now he says. और यहाँ पर अभी वो कहता है. God don't because your people whom you brought out brought up out of Egypt. और परमेश्वर मूसा से कहता है नीचे उतर जा क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिश्र देश से निकाल ले आया है. God is not calling them my people. और परमेश्वर उनको मेरी प्रजा करके नहीं पुकारता है. by not calling them my people god was dishonoring them. और परमेश्वर जब उनको कहता है कि मेरी प्रजा करके वो नहीं पुकारता है तो इसका अर्थ यह होता है कि परमेश्वर ने उनको त्याग दिया. where the people of god disown god और जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया बाय एन आइडल और मूर्ति करने के द्वारा डाउन बिफोर इट और उसके सामने दंडवत करने के द्वारा गॉड और तब परमेश्वर ने उनको त्याग दिया द बाइबल एड पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है कि अगर आप परमेश्वर का इनकार करोगे तो परमेश्वर आपका इनकार करेगा हरी योर पीपल गो डाउन बिकॉज योर पीपल हुम ऑफ इजिप्ट और परमेश्वर मूसा से कहता है कि नीचे उतर जा क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिसे तू मिश्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और परमेश्वर उस उस, उस ने उन्हें मिश्र देश से इसलिए वापस बाहर ले आया ताकि उसकी प्रतिज्ञा की प्रदेश में ले जाने के लिए them, them. पर तो वो इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि उनका नाश करने के लिए भी बट मोस

इन 40 दिन और और के बीच में उसने ना ना कोई कोई भोजन किया ना कोई जल पिया और ने उससे कहा कि अपने नीचे उतर जाने के लिए क्योंकि उसके जो लोग जो थे वो बहुत ही बिगड़ गए थे इसलिए आई एम इनफ टू देम और मैं इतना ज्यादा क्रोधित उनका नाश करने के लिए वेंट बैक टू दोबारा परमेश्वर के पास गया He... Pleaded with God for 40 days and 40 nights. Deuteronomy chapter 9, verses 18 and 19. Then once again I fell prostrate before the Lord for 40 days and 40 nights. I ate no bread and drank no water because of all the sin you had committed, doing what was evil in the Lord's sight and so arousing his anger.

और परमेश्वर ने इस प्रकार से सुना people, और जब मूसा मध्यस्थ में खड़ा होकर अपने लोगों के लिए जब उसने परमेश्वर परमेश्वर के सामने बिंती की them, और ने इस प्रकार से उसकी विनती सुनी और उनका नाश न ना किया परंतु परंतु उसने कहा वो कभी भी मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएगी एंड ऑल दो द एज ऑफ 20 और जो हर, हर एक व्यक्ति जो मिश्र देश से बाहर निकला जो 20 साल के ऊपर का था दे डाइट इन दिल्डरनेस 20 साल के ऊपर का था वो निर्जन प्रदेश में मर गए The reason was that they made God angry. और उसका कारण ये था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को क्रोधित किया. That's why Paul is advising us. और इसके लिए पालू समय इस प्रकार से सलाह देता है. Flee from idolatry. मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा से दूर रहो. Flee means दौड़ के चले जाओ अपने जीवन के लिए दौड़ के लंबे चले जाओ बिकॉज आइडोलिट्री ग्रेट सीन क्योंकि मूर्ति पूजा बहुत बड़ा पाप है बुक ऑफ डैनियल वी सी थ्री यंग बॉइज और डैनियल की पुस्तक किताब में हम देखते हैं तीन नौजवान व्यक्तियों को उसकी उपासना करेगा दंडवत करेगा बी थ्री परंतु ये जो तीन जवान लोग व्यक्ति थे they, they of God, of king, of king, और इन तीन जवान लोगों ने राजा की जो आज्ञा मानने से इनकार कर दिया राजा ने इस प्रकार से आज्ञा दी थी सोने की प्रतिमा के सामने जो कोई दंडवध करके उसका उपासना नहीं करेगा uh, उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा बॉय सेट और द्री बॉय सेट और ये तीन नौजवान ने इस प्रकार से कहा किंग

इसका अर्थ ये है कि वो तैयार थे मरने के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस पतिमा के सामने कभी भी दंडवत नहीं करेंगे। द किंग और ये बहुत ही गंभीर बात होती है जब राजा की आज्ञा को आप इनकार करते हैं तब नॉट डाउन और जब उन्होंने कहा कि मैं हम आपकी इस, इस प्रतिमा के सामने दंडवत नहीं और राजा जो था वो क्रोधित हो गया

थ्रो इन टू दू दट्टी में डाला था They said three. उन्होंने कहा तीन बट आई से पर राजा कहता है मैं यहाँ पर चार व्यक्ति को देखता वु सन ऑफ गॉड और एक दिखता है जो परमेश्वर के पुत्र के समान है When they chose to obey God, और जब उन्होंने चुनाव किया कि परमेश्वर की परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए गॉड हिमसेल्फ केम डाउन टू और परमेश्वर स्वयं नीचे उतर आया उनको उनकी सहायता करने के लिए उनको बचाने And के लिए और उसके पश्चात क्या हुआ द किंग the the God God of of and 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 Abednego. Abednego and declared, anyone who says anything about the God of Cedric, and Abednego will be cut into pieces. जो भी परमेश्वर के परमेश्वर की उपासना नहीं करेगा उनको उस आग की भट्टी में डाल दिया जाए इसके बावजूद उन्होंने इस प्रकार से निश्चय कर लिया कि वो मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे। उसका परिणाम क्या था गॉड प्रोटेक्टेड परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा की किंग प्रमोटेड देम और राजा ने उनको इस प्रकार से ऊंचे पर उठाया एंड ऑफ गॉड वाज ऑनर्ड और परमेश्वर के नाम को वहां पर आदर और महिमा मिली अकॉर्डिंग टू द बाइबल और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार according, according God, और मूर्ति शास्त्र यह भी कहता है आइडोलेटर्स विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड और मूर्ति पूजक कभी भी परमेश्वर के परमेश्वर के विरासत के भागी नहीं होंगे।

और परमेश्वर सचमुच में उसे क्षमा कर देगा परमेश्वर परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। If you are willing to turn from wickedness, अगर आप तैयार है कि अपनी दुष्टताओं से फिरने के लिए, And seek his mercy, और उसकी दया को अगर आप खोजते हो गॉड परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है He will forgive us और हमें करेगा, हमारे बच्चों को इसके लिए परिणाम भुगतने न पड़ेगे Chapter chapter verse, किताब में दसवा अध्याय चौदह वचन से नीचे friends, और इस कारण मेरे पियो मूर्ति पूजा से बचे रहो free from idolatry मोती पूजा से बचे रहो i speak to sensible people मैं बुद्धिमान लोगों से कहता हूं judge for yourselves what i say और जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो it's not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of christ और वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं क्या मसीह की लहू की सहभागिता सब नहीं है it is not the bread that we break पार्टिसिपेशन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं Because there is one लॉफ क्यों इसलिए कि एक ही रोटी है we who are many, और जो हम बहुत हैं. Are one body. और वहाँ एक है For we all share the one loaf. क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं कंसिडर पीपल ऑफ इजराइल और जो शरीर के भाव से इसराइली है उनको देखो डू नॉट दो सो ईट द पार्टिसिपेट इन दल्टो और क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं डू आई मीन देन दैट फूड सैक्रीफाइस टू एन आइडल इज एनीथिंग और दैट एन आइडल इज एनीथिंग फिर मैं क्या कहता हूँ क्या यहाँ यहाँ की मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है नो no, नहीं बट द ऑफ आर टू टू नॉट गॉड पर नहीं वरन यहाँ की अन्य जातियां जो बलिदान करते हैं परमेश्वर के लिए नहीं पर आत्माओं के लिए बलिदान करते आई डो नॉट वॉन्ट इट टू बी पार्टिसिपेंट विद डी मैं मैं नहीं चाहता कि उन दुष्ट आत्माओं के साथ में सहभागी हो यू के नॉट ड्रिंग द कप ऑफ द लॉर्ड एंड कप ऑफ डी टू तुम प्रभु की कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते यू कैनोट हैव ए पार्ट इन बोथ द लॉर्ड्स टेबल एंड द टेबल ऑफ डीमंड तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते आर वी ट्राइंग टू अराउज द लॉर्ड जेलसी और क्या हम प्रभु को कोत दिलाते हैं आर वी स्ट्रॉन्ग देन ही क्या हम उससे शक्तिमान हैं?

हम ला, हम लाभ उठाते हैं वो जो बलिदान उसने किया उसके जो लाभ है उसको हम ग्रहण करते हैं और यहाँ पर यह भी कहता है love, क्योंकि वहां पर एक ही रोटी है we who are many, और हम जो बहुत है, body, और हम एक देह है for we are, we all share the one और क्योंकि हम सभी उसी एक रोटी के भागी होते द वन लॉफ ऑफ ब्रेड और और एक रोटी में सभी लोग जब भाग लेते हैं ये है, है, उसे ये दर्शाता है यूनिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ये मसीह की कलिसिया में जो एकता है उसे दर्शाता है हम हम सभी सभी लोग मसीह में एक है. हम सभी का उद्धार उसी पवित्र लहू के द्वारा किया गया है टेबल ऑफ द लॉर्ड और जब हम प्रभु की मेज में जब हम भाग लेते हैं क्रॉस तो हम स्मरण करते हैं कि मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया इट इज इट इज ही us from death. और ये यीशु मसीह है जिसने हमें मृत्यु से हमें बचाया है और और हम and, and we are हम और हम उसके उसके साथ साथ में 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 यीशु यीशु के संयुक्त एक एक हो गए हैं सब मसीह बलिदान को स्मरण करते हैं और इस प्रकार से हम घोषित करते हैं कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए हैं और हमें छुड़ाया गया हमें है हमें उद्धार हुआ उसके पवित्र लहू के द्वारा आइए हम अपने आंखों को बंद करें थैंक यू और परमेश्वर को धन्यवाद दे थैंक गॉड फॉर द टेबल ऑफ लॉर्ड परमेश्वर को धन्यवाद दे उसकी मेज के लिए